हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भैयो। ओहो, इतनी अमेजिंग खबरें आ रही हैं अयोध्या से कि भाई आप लोग का पता नहीं, पर मैं तो खुशी खुशी वाली सरप्राइज्ड हूँ। इतना दिल खुश हो रहा है कि क्या बताऊँ। तो अब भैया राम मंदिर के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसों को तैयार किया गया है। अब इलेक्ट्रिक बसेस वहां पे हैं। अभी हमने एक वीडियो देखी है, इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक ऑटो, और इतने सुंदर वो ऑटो हैं यार, दिल खुश हो गया। और उसमें सबसे मजेदार है कि भैया ऑटो में बेल्ट्स हैं, सीट बेल्ट्स। बहुत ही अमेजिंग है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। के पूर्व आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए जो 0% चार्ज होने में भी होगा तब। नमस्कार, जय श्री राम। अरे वाह, इसके बाद की वीडियो होगी। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। पीछे आप लोग देख करके समझ, क्योंकि उसमें तो बलून वलून अभी लगे नहीं। आपको क्या दिखाने वाले? अरे वाह, आज हम आपको दिखाने वाले हैं इलेक्ट्रिक बसें। इलेक्ट्रिक बस इतना खास, ये क्या लगा है बीच में फूल लगाए हुए हैं। लोकेशन पे आपको पता चल गया होगा इसका कलर देख के, यानी कि भगवा रंग देख के। भगवा। अभी हम आ चुके हैं अयोध्या धाम बस स्टेशन। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन आपने सुना होगा। धुंध कितनी है, ठंड है। स्टेशन भी सुस्त्री बना है और यहाँ पे सुविधाएं इसकी भी सुस्त्री होने वाली है। ऐसा क्यों है, आइए आपको बताता हूँ। अब श्री धाम अयोध्या में अगर ये बसेस आई हैं, तो इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मैं दे देता हूँ, जिससे ऑटोमेटिक डोर्स वाली हैं। इलेक्ट्रिक बसेस की क्या कैपेसिटी है, आखिर ये क्यों है इतनी खास, अंदर जा सकते हैं, अयोध्या धाम में भेजा गया इन्हें। सबसे पहले बता देता हूँ, ये बसेस PMI कंपनी के द्वारा बनाई गई है। PMI, और इसमें जो बैटरी की संख्या है वो 5 है, और 5 लिथियम बैटरी है। साथ ही साथ 2 स्टार्टअप बैटरी भी लगाई गई है। और एक खास बात आपको बता देता हूँ, इनकी जो रेंज है वो कितनी ज्यादा है, और साथ ही साथ इसकी प्राइस की बात करूंगा। प्राइस सुनकर तो आप एकदम मतलब पागल हो जाओगे, इतना अनएक्सपेक्टेड प्राइस है इसका। प्राइस जस्टिफाई भी करता है इसको, महंगा है क्या? अगर इसकी रेंज की, तो 5 लिथियम बैटरी की मदद से ये 200 से 220 किलोमीटर तक एक चार्ज में चलती है। यानी कि एक चार्ज करने पर चार्ज 200 से 220 किलोमीटर तक का रेंज ये देती है। और अगर बात करें इस बसेस के फीचर्स की, तो अंदर से तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ प्राइस की बात कर लेते हैं। बट पहले चलते हैं इसका इंटीरियर दिखाते हैं, जिससे आप जस्टिफाई कर पाओ कि प्राइस अप टू द मार्क है या नहीं है। और इस बस में जो पीछे के डोर से एंट्री होने वाली है, उसमें कुछ खास बातें हैं जो कि मतलब बहुत अच्छी हैं, जो इंडीड होती हैं, बहुत सारी बसों में नहीं होता, बस इसमें है। ये पहले कहीं डिप्लॉयमेंट है, कश्मीर में भी तो देखी हमने। पहले बात करते हैं डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड देख करके आप समझ गए होंगे ये बस पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक है। जैसा कि आप यहाँ पे बटन देख सकते हैं, रिवर्स का, न्यूट्रल का, आपका आगे जाने के लिए, तो पूरी तरीके से ऑटोमेटिक बस है। डैशबोर्ड आप देख सकते हैं सिंपल सा है, और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मीडिया कंसोल भी दिया गया है। ये क्या होगा? उसका रीजन क्या है उसको बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत स्पेशल है। उसका रीजन है, ये बस फुल्ली सीसीटीवी कैमरा से मतलब लेस है। आपकी हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी, सेफ है, ऊपर पड़ लगे तो जाएगी वो रखी जाएगी डिपो से, यानी कि डिपो से पूरा का पूरा कमांड किया जाएगा इन बसेस को। बात करें अगर कैमरों की, तो इस बस का इंटीरियर तो आप देख ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको दिखाता हूँ कैमरों को। ये रहा कैमरा। तो यहाँ पर देखिए आगे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, पीछे और भी साथ ही साथ सिर्फ एक नहीं, ये भी है दूसरा, ये दूसरा कैमरा, ये तीसरा, तीन कैमरे दिख गए। अयोध्या धाम बस डिपो से एक एक बस का लोकेशन, एक एक बस के अंदर का सब कुछ दिख रहे, प्रॉपर गाइड किया जाएगा, देखा जाएगा उसे। तीन कैमरे तो हैं। बाकी बात करें इन बसों की सीटों की, तो इन बसों में जो है इनकी कैपेसिटी है 21 सीटों की। और सीटों की क्वालिटी वगैरह की बात कर लेते हैं साथ ही साथ, देखो यहाँ पे आप स्टॉप बटन भी दिया गया है। सीटों की क्वालिटी की बात करते हैं, तो सीटों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और आम बसों से कंफर्टेबल सीटें, बहुत अच्छी बसें बन गई यार। जो बसेस होती हैं उनमें सीटें थोड़ी सी सक्रिय होती हैं और कंजेस्टेड जैसा फील होता है, बट इनमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत हैंडल्स, देखो क्या डिजाइन वाले कर्व्ड से हैंडल बनाए हैं, ये देखो स्पेशल लगता है ना, स्पेशियस है। अगर मान लो ज्यादा यात्रियों की संख्या हो जाती है, क्योंकि आपको पता है श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है, तो अगर ऐसा कुछ केस होता है, तो इसमें स्पेस इतना ज्यादा है कि लोग आराम से खड़े भी होकर के आराम से जा सकते हैं, और वहां पर पकड़ने के लिए हुक वगैरह भी यहां पर दिया गया है। कैसा हैंडल है, देख सकते हैं हर विंडो में, ऑलमोस्ट हर विंडो में हमारे टाइम में तो हैंडल ही होता है, डंडे को ही पकड़ते तो ऊपर के, आपसे कहने जा रहा स्कूल के मुझे याद है। और दूसरे टूर में कुछ खास है, तो वो खास क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 2 सीट दिव्यांग जनों के लिए दी गई, वेरी गुड। और ये जो दिव्यांग जनों के लिए सीटें हैं,
ये सिर्फ सीटें नहीं दी गई हैं, इनका खुलेगा दरवाजा भी खुलेगा। वो कैसे किया गया मैं आपको बताता हूँ, सारे डोर तो ऑटोमेटिक है, मैं भी यहाँ पे खोल के नहीं दिखा सकता। जब ये बस स्टार्ट होगी तो ड्राइवर द्वारा ही ऑपरेट किया जाएगा, अभी तो बंद है, ऑफ है बस। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ये अच्छा क्यों है, क्योंकि और बसों में आपने देखा होगा दिव्यांग जन हो या हम नॉर्मल व्यक्ति होते हैं तो उन्हें चढ़ने में सबके लिए सेम प्रोसेस होता है, बट यहाँ पर अगर आप व्हील चेयर से आते हैं और आप बस पर आना चाहते हैं वो नीचे वो स्लाइड सीढ़ी भी दी गई है जो कि बाहर से निकाल करके दिखाई जाएगी। मैं अभी आप लोगों को स्लाइड वाली है क्या, स्लोप जैसा निकाल सकते हैं, वो स्लाइड वाली दिया गया है वापस से, मतलब अच्छे से आप अपने व्हील चेयर को चढ़ा। वेरी गुड वेरी गुड, हमारे जमाने में कुछ भी नहीं था, देखो सब उसको सोच के सुंदर है। महिला सीटों की बात करें तो यहाँ पर दो महिला सीटें भी डेडिकेटेड दी गई हैं, चलो हमें मिल गई और बाकी की सारी मुझे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक जानकारी के लिए कंसोल भी दिया गया है जहाँ पर लिखा रहेगा कि आप कहाँ रुक रहे हैं, कौन से स्टॉप पे रुक रहे हैं और कहाँ चल रहे हैं। कैमरा आपको आगे दिख जाएगा, एक कैमरा आपको बीच में दिख जाएगा और एक कैमरा आपको पीछे दिख जाएगा। मैंने देख पहले ही देख लिया, तीनों एंगल से तीन सीसीटीवी कैमरे से लेस है ये इलेक्ट्रिक बसेस। बहुत बढ़िया, हमने अयोध्या पे बसेस की जो है आपको सारा का सारा फीचर दिखा दिया, टिकट कितनी है, क्षमता दिखा दी, इसकी सीटिंग कैपेसिटी दिखा दी, साथ ही साथ आपको बता दिया कितनी चार्ज हो रही है, एक बोनस भी है, एक एडवांस बोनस भी है, उसको भी दिखाऊंगा, थोड़ा वेट करो, वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, मतलब वो इतना प्यारा बोनस है जो योगी जी ने दिया है अयोध्या को और हमारे सारे श्रद्धालुओं को जो कि पूरे देश से अयोध्या ऑटो की बात कर रहे हैं वो भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको इस बस के बारे में बता देता हूँ जो प्राइस की मैं बात कर रहा था, तो इस बस की जो प्राइस है पहले तो मैं बोलूंगा आप गेस करो वीडियो रोक के, बट आप शायद से सही नहीं गेस कर पाओगे, मैं आपको बता दूं इसकी प्राइस है 125 करोड़ रुपए। आपने पिछले एक बस देखे होंगे जब 10 बसेस आई थी और डिसकंटिन्यू हो गई, जिसका कारण था कि यहाँ पर एक पहले कहीं यूज हो रही थी, अब वो इंस्टॉल हो गया है। तो आइए सर से जानते हैं कि इस चार्जिंग स्टेशन की क्या खूबी है और ये जो बसेस हैं कितने देर में चार्ज होने वाली हैं, सारा कुछ सर से पूछते हैं। ये हम लोग का चार्जर है, एक चार्जर से हम एक बस को लगभग 45 मिनट में चार्ज कर सकते हैं और एक बस चार्ज होने का करीब 250 किलोमीटर चल जाती है, 220 से 250 की रेंज होती है, भैया ने बताया था, आराम से चल जाती है और चार्ज होने में 0% से चार्ज होने में भी हमारे बस को 45 से 50 मिनट लगते हैं। और क्या मतलब इलेक्ट्रिक कैपेसिटी क्या है, 1100 वोल्ट का चार्जर है, 180 किलोवाट का चार्जर। अच्छा जी, 180 और एक बार में चलने पर 250 किलोमीटर चलने वाली है, आपके क्या प्लान्स हैं, क्योंकि आपको पता है श्रद्धालु बहुत आने वाले हैं, तो आपके प्लान्स कैसे हैं, मतलब इन बसों को आप एक दिन में दो बार चार्ज करने का भी सोच रहे हैं या एक बार चार्ज करके ये हमारा स्थिति है, हम यहाँ पर 100 बस डेप्यूट करेंगे, 100 बसों में बस जाएंगी, कुछ जो डिस्चार्ज देंगे आती रहेंगी, फ्रीक्वेंसी इस तरह से रोटेशन करके हम चार्ज करते हैं और बसेस की संख्या और भी बढ़ने वाली है या सॉरी रहेगी जैसा भी शासन आदेश होगा। 100 बस से कह रहे हैं, यहाँ पे अभी भी क्या है कि अगर हम डबल गन से चार्ज करते हैं, एक ये दो गन है, अगर एक सिंगल गन से चार्ज करते हैं तो अप्रॉक्स 45 मिनट लेती है और अगर हम डबल गन से चार्ज करते हैं तो 20-25 मिनट में बस 25 मिनट पूरी बस फुल चार्ज 25 मिनट में पूरी बस फुल चार्ज हो जाती है। अमेजिंग, एक बस से लगभग 200 से 250 किलोमीटर चलती है। देखिए इसीलिए डबल गन भी जस्टिफाई करता है 125 लाख यानी 1 करोड़ 25 लाख ना, 1 करोड़ 25 लाख की एक बस है, 1.25 करोड़ की बसेस हैं, बट ये जो टोटल सारी 1.25 करोड़ की है, एक थोड़ी को 1 करोड़ की होगी, नहीं 25 मिनट में 250 किलोमीटर की है, बताना यार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर और भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भैया की वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। अरे वाह, जैसे ही बसेस आई डिपोर्ट पे भैया ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने बताया। अब आपको दिखाता हूँ जो आपको मैंने कहा था छोटा सा बोनस आपके लिए, देखते हैं ऑटो दिखा रहे हैं क्या, हमने देख लिया, हमने देखते हैं ऑटो है कि कुछ आ रहा है, कितना प्यारा गिफ्ट है जो इधर हमको दिया गया है, पूरा इधर ऑटो होगा, वो तो बहुत ही अच्छा जाने वाला है जी। जी स्पेशल बोनस की बात मैं कर रहा था जो कि गवर्नमेंट ने जो टेंट की बात कर रहे हैं वो क्या है आपको बताता हूं, और ये लिटरली बहुत स्पेशल टेंट, टेंट है कि ऑटो है भैया, दोनों है, टेंट है क्योंकि हमारी अयोध्या को मिल रहे हैं ई ऑटो, ऑटो जो कि आपके सामने आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखने वाले छोटे छोटे ई ऑटो, प्यारे हैं, मैं तो ये कहूं। इनमें खास क्या है, आपने ध्यान दिया होगा इसमें सीट बेल्ट खास है, उस रो में खड़े हुए ऑटो व्हाइट कलर के, बट यहाँ पर कुछ ऑटो पिंक कलर के भी हैं, वही तो पूछ रही मैं आपको बताता हूँ, मेरे वही तो पूछ रही, सभी को पता है गवर्नमेंट हमारी जो है वो महिला सशक्तिकरण के लिए हमेशा से कदम उसमें लेडीज तो नहीं चला रही हैं, लेडीज चला रही होंगी के चलते यहाँ पर ये इनिशिएटिव लिया गया है, लेडीज चला रही यहाँ पर, आपको पिंक कलर के जो ऑटोस दिख रहे हैं वो अयोध्या को उसकी सौगात दी गई है और इसका कारण है क्योंकि इन पिंक ऑटोस को ऑपरेट करने वाली लेडीज हमारी आ रहे महिलाएं होंगी हमारे देश की, वो महिलाएं जो मैंने कह दिया था पहले, मेरे को तो समझ ही नहीं आई थी, मैं तो पूछ रही थी, इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है, अमेजिंग आइडिया, इंडिया ऑपरेट की जाएंगी।
इन ऑटोस की अगर बात करें तो इनकी जो रेंज होने वाली है पर चार्ज 120 किलोमीटर होने वाली है। और इसका थोड़ा सा आपको एक और मतलब बात बता देता हूँ जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ये उल्टा क्यों हो गया भाई? बाकी यहाँ पर आप जो व्हाइट कलर के इन ई ऑटोस को देख रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रिक ऑटोस को, इन्हें ऑपरेट किया जाने वाला है मेल ड्राइवर्स के द्वारा। मैं तो पिंक में जा रही हूँ, मेरे को व्हाइट में जाना था। एक बार पिंक एक व्हाइट। हमारे जो अयोध्या धाम बस रिपोर्ट है, क्या हुआ यानी कि जो अयोध्या धाम बस रिपोर्ट है, यहाँ से पिंक और व्हाइट कलर के ई ऑटोस भी अब चलना प्रारंभ हो जाएंगे। ये था भव्य इनॉग्रेशन, बहुत सुंदर, बहुत स्टेशन का, बहुत ही सुंदर। और मैं पूछ भी रही थी उस वीडियो के अंदर, यार ये पिंक और व्हाइट का क्या फंडा है? वो इसमें पता चला कि पिंक मतलब लेडीज चलाएंगी व्हाइट, और मैं कह रही थी मैंने व्हाइट में जाना है, मुझे व्हाइट ज्यादा सुंदर लग रही थी। अब भैया कैंसल, आइडिया कैंसल। बहुत अच्छा है, पूरा इलेक्ट्रिक है, डिमांड होगी, बहुत कुछ होगा, कोई पॉल्यूशन भी नहीं होगा। बहुत अच्छी की है, फटाफट 100 बसें आ गई है और उनका यूज किया जाएगा। 250 तक किलोमीटर है, रेंज ज्यादा है। हमने टाटा की सुनी थी, टाटा की 100 थी, इनकी 250 है, तो इनकी रेंज डेफिनेटली काफी ज्यादा है और टाइम उतना ही लग रहा है चार्ज करने में। और डबल गन तो और भी कमाल है, डबल गन है, 25 मिनट में हो जाएगी वैसे होती, तो बहुत ही अच्छी चीज है। और सर्कुलेशन में जाती रहेगी, लोग आराम से इलेक्ट्रिक बसों में जाएंगे, इलेक्ट्रिक से आएंगे, ऑटो में जाएंगे। और मेरे ख्याल से ऐसा प्रोग्राम भी करना चाहिए जिनके पुराने ऑटोज हैं उनका नहीं चाहिए तो वो रिटर्न करके ये ले सकते हैं, इतना डिफरेंस वगैरह दे दीजिए या लोन ले लीजिए, जो भी है। तो वो भी करेंगे कि सारे ऑटो जो है अयोध्या में इलेक्ट्रिक ही हो जाएं। मैं तो कह रही हूँ जिसने ये दिमाग लगाया यार, कमाल का बंदे हैं वो। बिल्कुल, जो भी बनाई होगी ऑर्गेनाइजेशन या वो बंदा जिसने ये सब किया है, कमाल की जॉब की है सच्ची में, दिल से मेहनत से काम किया है। वो नहीं है कि जैसे पूरा होता ना कि काम खत्म कर दो या वो कर दो या अंदर से पैसे खा लो या उस टाइप से, ये सब देख के लग रहा है बहुत सोच के अच्छा, मतलब उसने जैसे कहते हैं कि भगवान की जगह बना रहा हूं मैं श्रद्धा से और अच्छी तरह से ये आइडियाज बनाने, ये सब उतना कमाल किया है। वाह, दिल खुश हो रहा है यार, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।